टॉपिक का नाम है, हमने प्रिज्म में किया था। प्रिज्म में क्या किया था? प्रिज्म के चैप्टर के अंदर डिस्पर्शन ऑफ लाइट को डिस्कस किया गया। डिस्पर्शन ऑफ लाइट का मतलब वाइट लाइट का सात रंगों में टूट जाना डिस्पर्शन है। फिर हम वहाँ से डेविएशन निकालते थे। डेविएशन याद है डेल्टा, कि लाइट जाती है और कितने एंगल से मुड़ जाती है, उसको डेविएशन बोलते थे, डेल्टा। अब यहाँ पर वो क्या करता है, यहाँ पर वो दो प्रिज्म लेता है। दो प्रिज्म को कैसे अरेंज करता है? एक प्रिज्म ए, एक प्रिज्म ए डैश। एंगल ऑफ प्रिज्म ए एंड ए डैश, ये एंगल बहुत छोटे होते हैं। इस ये स्मॉल प्रिज्म, थिक थिन प्रिज्म्स के लिए एप्लीकेबल है फॉर्मूला। एनसीईआरटी में नहीं आएगा, बोर्ड्स में नहीं आएगा, तो ओनली फॉर कॉम्पिटिशन लिख लेना। तो यहाँ पर वाइट लाइट आई, सात रंगों में टूट गई, यानी कि डिस्पर्शन हो गया। उसके बाद क्या हुआ, फिर सात रंगों में ये रिफ्रैक्ट हो गई, क्योंकि प्रिज्म से प्रिज्म जाने में रिफ्रैक्ट हो गई। और जब ये बाहर निकली तो ये उल्टी होके बाहर निकल गई, रेड नीचे और वॉयलेट ऊपर। और ऐसे बाहर निकली कि रेड और वॉयलेट का जो मीन कलर है वो क्या होता है, येलो। देख रहे हो ये येलो। तो इन मतलब जो मीन लाइट है वो ऐसे जा रही है, ये मीन लाइट है। मीन लाइट और वाइट लाइट आपस में पैरेलल थे। पैरेलल समझते हो, एक ही लाइन में, यानी कि इस लाइन, ये जो लाइन है इसके साथ कोई एंगल ऑफ डेविएशन नहीं बना पाई। जो मीन लाइट है वो जब बाहर निकली, जो एवरेज लाइट है, जो मीन लाइट है, येलो लाइट है, वो इसके साथ एंगल नहीं बना पाई, सेम डायरेक्शन में चल पड़ी। इसका मतलब यहां पर डेल्टा नहीं बनेगा, डेल्टा नहीं बनेगा, इसका मतलब कोई डेविएशन नहीं है। पर क्या सात रंग में लाइट स्प्लिट नहीं हुई? हुई है, यानी कि डिस्पर्शन तो है पर डेविएशन नहीं है। तो इसलिए टॉपिक का नाम क्या है, डिस्पर्शन तो है विदाउट डेविएशन, इसमें डेल्टा नहीं बनने वाला। लेकिन अगर आप इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम के अंदर, इस डायग्राम में फिर से दो प्रिज्म है, व्हाइट लाइट आई, फिर से सात रंगों में स्प्लिट हुई। सात रंगों में स्प्लिट होने का मतलब क्या, डिस्पर्शन है। लेकिन जब बाहर निकली, कंबाइन होके बाहर निकल आई, तो यानी कि डिस्पर्शन बिल्कुल क्या हो गई, खत्म हो गई। लेकिन ये और ये पैरेलल नहीं है, ये कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी इसके साथ, यानी कि यहां पर डेल्टा होगा, डेविएशंस होंगी। तो एंगल ऑफ डेविएशन बनेगा पर डिस्पर्शन ना हो पाई, क्योंकि फाइनल लाइट जो है व्हाइट आई और व्हाइट चली गई। तो इसका मतलब टॉपिक का नाम क्या हुआ, टॉपिक का नाम है डेविएशन तो है विदाउट डिस्पर्शन। तो ये ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि आपको क्या टॉपिक दे रहा है वो, क्या वो आपको डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन दे रहा है या डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन दे रहा है, ये आपको ध्यान से एक बार देखना पड़ेगा। तो हम पहला केस डिस्कस करते हैं जिसमें सात रंगों में लाइट टूट रही है, यानी कि डिस्पर्शन तो है पर एवरेज डेविएशन इसमें जीरो है। तो पहला रूल बस मार्क करते जाना, अभी कुछ नहीं करना। अगर आप प्रिज्म नंबर वन लेते हो, इसमें डेल्टा थिन प्रिज्म का क्या था, ए इंटू म्यू माइनस वन, और सेकेंड प्रिज्म के लिए डेल्टा डैश क्या होगा, ए डैश इंटू म्यू डैश माइनस वन। जो पहला प्रिज्म है वो किस ग्लास का बना हुआ, क्राउन ग्लास, स्पेशल टाइप का ग्लास है, और दूसरा प्रिज्म किस ग्लास का बना हुआ है, फ्लिंट ग्लास। तो ये ए और म्यू है, ये ए डैश और म्यू डैश है। तो ए का मतलब यहाँ पर क्राउन है और ए डैश का मतलब यहाँ पर फ्लिंट ग्लास का प्रिज्म है। तो ये डेविएशन किस में निकली, क्राउन में, और ये किस में निकली, फ्लिंट में। पर हमने टोटल डेविएशन की बात करनी है, टोटल डेविएशन में दोनों को ऐड किया, पर इस टॉपिक का नाम क्या है, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, क्योंकि एवरेज डेविएशन क्या रही है यहां पर, जीरो। तो दोनों प्रिज्म का नेट डेविएशन क्या रही है, जीरो। तो डेल्टा डेल्टा डैश को यहां पुट किया और एंगल्स की रेशियो निकाल दी। अब बॉक्स में इसको डाल लो। अगर क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा, कि यहां पर डिस्पर्शन है विदाउट डेविएशन, तो दोनों प्रिज्म के एंगल की रेशियो पूछ सकता है, तो एंगल की रेशियो ये रही। ये पहला रिजल्ट है इसका, कंपटीशन में आएगा, एनसीईआरटी बोर्ड में कुछ नहीं आएगा, पढ़ने की जरूरत नहीं, नॉट फॉर एनसीईआरटी लिख लेना इसके ऊपर टॉपिक, कहीं पढ़ने बैठ जाओ नहीं फायदा होगा, ठीक है। दूसरा, अब ठीक है, इसमें नेट डेविएशन नहीं है, डिस्पर्शन तो है। डिस्पर्शन का मतलब सात रंगों में लाइट का स्प्लिट होना। तो ऐसे केस में हम एक काम करते हैं, पहले प्रिज्म में एंगुलर डिस्पर्शन निकालते हैं। हमने एनसीईआरटी में किया था, एंगुलर डिस्पर्शन क्या होता था, वॉयलेट और रेड कलर की डेविएशन का डिफरेंस, तो ये फॉर्मूला। दूसरे प्रिज्म के लिए ये फॉर्मूला। अब नेट डिस्पर्शन क्या है, जीरो तो है नहीं, तो नेट एंगुलर डिस्पर्शन क्या है, दोनों डिस्पर्शन को ऐड कर दे, तो ऐड करके नेट एंगुलर डिस्पर्शन आ गई, ये नहीं याद करना आपने। इसमें से आप एक काम करें, इसकी वैल्यू को ये पुट कर दें, इसकी वैल्यू को ये पुट कर दें, तो ये टर्म आ गई।
एक और स्टेप करें, इसमें से ए कॉमन निकाल लें, तो ये टर्म तो ए कॉमन आ गई, बाहर आ गई, तो ये अकेली बच गई, और ए से इसे क्या कर लें, डिवाइड कर दें। तो ए डैश बाय ए हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इस ए डैश बाय ए की जो रेशियो है इसको उठा के आप यहां पे पुट कर दें, तो ए डैश बाय ए की रेशियो आ जाएगी, तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी, राइट। याद नहीं करना आपने। अब आपने क्या करना है, इन दोनों में से म्यू माइनस वन कॉमन निकाल लो दोनों रेशियोज में से। तो जब म्यू माइनस वन कॉमन आएगा तो इसमें तो था ही नहीं म्यू माइनस वन, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा म्यू माइनस वन से, और यहां से म्यू माइनस वन बाहर आ गया, तो ये टर्म बन गई। अगर आपको एनसीईआरटी की बुकलेट में याद हो, हमने क्या किया था, इसके डिफरेंस को क्या बोलते थे, ओमेगा, और इसके डिफरेंस को ओमेगा डैश। तो फॉर्मूला ये मार्क कर लें, ये वाला भी और ऊपर वाला भी। तो फॉर्मूले में वो पूछ सकता है नेट एंगुलर डिस्पर्शन की वैल्यू क्या होगी, तो आप ये दो फॉर्मूलाज को याद कर लें, दैट्स इट, इफ नीडेड, इमरजेंसी में नीडेड। वैसे आएगा नहीं आएगा मुझे मालूम नहीं, रेयर चांस है, बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल जीरो चांस है, ठीक है। तो मतलब हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपको दिख ही जाए इसके ऊपर, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसको किस थ्योरी के साथ आपने मैच करना है। दूसरा अंडरलाइन करें इसमें, जो म्यू है वो क्राउन ग्लास है, और जो म्यू डैश है वो फ्लिंट ग्लास है। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है, क्राउन की फ्लिंट, ये अंडरलाइन करो। म्यू डैश का मतलब फ्लिंट, तो फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्राउन ग्लास से बड़ा होता है, ये भी अंडरलाइन करो। ओमेगा डैश ओमेगा से बड़ा होता है, फ्लिंट ग्लास का ओमेगा क्राउन ग्लास के ओमेगा से बड़ा होता है, ये याद करना है, ये फैक्ट्स याद करने हैं आपने। मेडिकल में तो वैसे सीधा ही पूछ लेगा क्राउन का बड़ा कि फ्लिंट का बड़ा, तो सीधे कंपेरिजन से हो जाएगा। और लास्ट है, तो जो हमारी नेट डेविएशन है वो इसके इक्वल है, और क्योंकि नेट डेविएशन एंगुलर डिस्पर्शन डेविएशन इसके इक्वल है, सॉरी एंगुलर डिस्पर्शन इसके इक्वल है, ओमेगा डैश ओमेगा से बड़ा है, तो यानी कि ये टर्म क्या आएगी, नेगेटिव। तो डिस्पर्शन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, कि आपकी जो सात रंग थे रेड एंड वॉयलेट, जब बाहर निकलेंगे वॉयलेट और रेड निकलेंगे लिए, इसलिए साइन नेगेटिव शो कर रहा है। पर आपको जरूरत नहीं है सब समझाने के लिए बताया, जो आपको फॉर्मूला चाहिए होंगे वो मैंने मार्क करवा दिया, सफिशियंट है, ठीक है। ये पहला रिजल्ट है, तो इफ नीडेड अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिख जाए तो कौन सी थ्योरी रेफर करनी है उसको देखेंगे। रूटीन में क्वेश्चन, रूटीन में टॉपिक यूज होने वाला है नहीं, एक्सेप्शनल टॉपिक है, ठीक है। पुराने पेपर जब हम करेंगे उसमें अगर आपको लगता है कि चाहिए होगा तो रेफर कर लेना, नहीं चाहिए होगा तो इट्स ओके, फॉर्मूला याद करके छोड़ देंगे। उसी तरीके से जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। अब एक काम करते हैं, विदाउट डिस्पर्शन का मतलब डिस्पर्शन नहीं है, तो एंगुलर डिस्पर्शन पहले प्रिज्म में ये रही और दूसरे प्रिज्म में ये रही, उसने क्या कहा कि कंबाइंड डिस्पर्शन ही नहीं है, तो इन दोनों का सम क्या आएगा, जीरो, क्योंकि डिस्पर्शन ही नहीं है, तो एंगुलर डिस्पर्शन जीरो, तो दोनों को मिला के जीरो। तो ये और ये वैल्यूज यहां पर पुट करके इक्वल टू जीरो, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहला फॉर्मूला याद करें, कि अगर आपका ये क्वेश्चन आता है कि डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, तो ए डैश और ए का ये रेशियो है, तो डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन में एंगल्स की रेशियो क्या होगी दोनों प्रिज्म की, दोनों फॉर्मूलाज आपको लिखवा दिए, ठीक हो गया। और नेक्स्ट है कि इसके अंदर एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है, कि जब हम दोनों प्रिज्म को जोड़ेंगे तो आपकी व्हाइट लाइट ही बन के बाहर आएगी। हमने डिफेक्ट्स ऑफ लेंस किए थे, अगर आपको याद होगा जब लेंस के डिफेक्ट किए थे उसमें सबसे बड़ा डिफेक्ट था कि लेंस में जो व्हाइट लाइट जाती है सात रंगों में टूट के बाहर निकलती है, तो मेजर डिफेक्ट था किसी भी लेंस का, तो टूट डिस्पर्शन होती होती है। पर अगर वो डिस्पर्शन खत्म कर दें, उस कंडीशन को बोलते थे कंडीशन फॉर एक्रोमैटिज्म। एक्रोमैटिज्म का मतलब सात रंग नहीं बनेंगे, और हम भी तो यही कर रहे हैं, इसमें सात रंग थे बीच में थे और बाहर निकलते हुए बंद हो गए, इसका मतलब इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, कम से कम इसमें डिस्पर्शन नहीं हो रही, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कंडीशन फॉर एक्रोमैटिज्म। तो इसके अंदर आप ए डैश और ए निकाल चुके हैं, तो वो कह रहा है कि ये जो कंडीशन है, ये फॉर्मूला अगर आप ये यूज करते हो तो आपने ये अज्यूम किया है कि यहां पर नेट डिस्पर्शन नहीं होगी, नहीं होगी, सात रंगों में लाइट बाहर नहीं निकलेगी, इसी को क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कंडीशन फॉर नो डिस्पर्शन या फिर कंडीशन फॉर एक्रोमैटिज्म। तो ये मैंने क्वेश्चन देखे ऑब्जेक्ट में किसी बुक में, कि आपको ए म्यू सब कुछ दे रहा है और वो पूछ रहा है कंडीशन फॉर एक्रोमैटिज्म क्या है, तो आपको ये रेशियो पता होगी तभी करोगे। और नेक्स्ट है, आप फिर से ये वाला रिजल्ट लिखें इक्वल टू जीरो वाला, ये रिजल्ट, इस रिजल्ट को लिखें, इसके लेफ्ट हैंड साइड को, इतनी वाली साइड को म्यू माइनस वन से मल्टीप्लाई करें और म्यू माइनस वन से डिवाइड करें, और इसकी राइट साइड, ये वाली साइड को
म्यू डैश माइनस वन से मल्टीप्लाई और म्यू डैश माइनस वन से क्या करें, डिवाइड करें। तो आपके पास ये टर्म आ गई, ये टर्म आ गई। तो इसके अंदर एक काम करें, ये जो टर्म देख रहे हैं ये वाली टर्म, ये इसलिए किया क्योंकि इस टर्म को क्या लिखा जाता है, डेल्टा, और इस टर्म को क्या लिखा जाता है, ओमेगा। इस टर्म को क्या लिखा जाता है, डेल्टा डैश, और इस टर्म को ओमेगा डैश। तो ये रेशियो मार्क करें, दिस इज कंडीशन फॉर एक्रोमैटिज्म, मॉडिफाइड कंडीशन फॉर एक्रोमैटिज्म। इसके ऊपर न्यूमेरिकल दिखेंगे आपको, इसको बॉक्स में डाल लें। थ्योरी और प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ए डैश और ए की रेशियो, और ये बॉक्स में डाल लें। ठीक है यहां तक तो बस सफिशियंट है।